एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, जिसकी वजह से आसपास के गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वो रोज किसी न किसी गांव से एक इंसान को सबके सामने लेकर जाती और खा जाया करती थी। फिर एक दिन गांव वालों ने उस चुड़ैल को फंसाने का सोचा और एक प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने चुड़ैल को प्यार में फंसाकर मारने का सोचा। इस बात के लिए एक लड़का जिसका नाम ऋषु था, वो तैयार भी हो गया, लेकिन बाद में उसने चुड़ैल को मारने से मना कर दिया, जिसके कारण गांव वालों को गुस्सा आया और उन्होंने ऋषु को मार डाला। जब ये बात चुड़ैल को पता चली तो उसने गांव वालों से बदला लेने का प्रण लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऋषु तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। अगली सुबह चुड़ैल गांव में जाती है और सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। सुनो गाँव वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे ऋषु को किसी ने मेरे ही घर में घुसकर मार डाला, तो मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ, क्योंकि जितना बुरा मुझे कल लगा मैं उससे आप लोगों के दुख को समझ सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं, इसलिए मैं ही जंगल छोड़कर हमेशा के लिए आप लोगों की दुनिया से दूर जा रही हूँ। वैसे भी अब मैं यहाँ रहकर करूँ तो करूँ क्या, मेरा ऋषु तो मर गया और मैं एक विधवा चुड़ैल बनकर रह गई। क्या क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो? अब तुम हम लोगों में से किसी को नहीं खाओगी? ये सब सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, अब मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, बस आप लोगों से यही कहना था। मुझे पता है मेरे जाने से यहाँ पर किसी को दुख नहीं होने वाला, लेकिन इतने सालों से मैं इस जंगल में हूँ, मुझे इस जंगल से जाने में बहुत दुख हो रहा है, पर मुझे यहाँ ऋषु के साथ रहने की आदत हो गई थी, अब वो यहाँ नहीं है तो मेरा भी मन यहाँ रहने का नहीं। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सभी गांव वाले जंगल में बने चुड़ैल के घर पर चले जाते हैं। सब मिलकर बहुत खुशी से उसके घर को पहले तोड़ते हैं और फिर जला देते हैं, लेकिन ये सब चुड़ैल देख रही होती है। आज मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं, तो मेरा घर जला रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी मेरे ऋषु को मारने वालों को? गलत फहमी है तुम्हारी, आज जितनी खुशियां मनानी है मना लो तुम लोग, कुछ दिनों की बात है, तुम सबसे एक एक करके मैं अपने विधवा होने का बदला लूंगी। तुम सबको कीमत चुकानी होगी एक चुड़ैल को विधवा करने की। कुछ दिनों तक चुड़ैल उनमें से किसी गांव में कोई हमला नहीं करती और ना ही किसी को मारकर खाती है। फिर वो अपने ऋषु के कातिलों को पता करने के लिए एक आम औरत का रूप धारण कर तीनों गाँव में से पहले एक गाँव में जाती है। आम औरत के रूप में वो अपना नाम विमला रखती है। मुखिया जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास न रहने की कोई जगह है और ना ही कोई काम, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी, मेरा नाम विमला है। देखो विमला, तुम्हें यहाँ रहने के लिए कुछ काम करने होंगे, तो मुझे बताओ तुम क्या क्या कर सकती हो? जी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरे यहाँ काम कर लो, और रहने के लिए मेरे घर के पीछे कुटिया खाली है, तुम वहाँ रह सकती हो। क्या तुम अकेली आई हो? जी, मैं विधवा हूँ और मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, तभी मुझे कोई रखना नहीं चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम के साथ साथ रहने की जगह भी दे दी है, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। चुड़ैल वहाँ विमला के रूप में रहने लगती है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता है। उसको पता करना होता है कि कौन से गाँव वालों ने उसके ऋषु को मार डाला। वो अपनी कुटिया में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे विधवा किया, जैसे ही मेरे ऋषु के कातिलों वाला गांव मिल जाएगा, वहां भी कोई सुहागन नहीं बचेगी, एक एक को खत्म कर दूंगी। लेकिन आज के खाने का क्या करूं, समझ नहीं आता, जाकर देखती हूँ, क्या पता कोई इंसान अकेले रहता हो, उसको अब खाना आसान होगा, मेरी भूख शांत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने खाने की खोज में निकल जाती है और उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है जो जंगल की तरफ से अकेला आ रहा होता है। चुड़ैल अपना साधारण रूप लेती है और उसके सामने चली जाती है। भाई साहब, आप इतनी रात को जंगल की तरफ से क्या करके आ रहे हैं? आप यहाँ पर नई मालूम पड़ती हैं जी, यहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी पर उसके जाने के बाद हमने उसका घर जलाकर राख कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जमीन खाली हो गई। अब उसी जमीन पर हम खेती करते हैं और एक एक करके उस जमीन की देखभाल करते हैं। आज मेरी बारी थी, मैं अपना काम पूरा करके
घर वापस जा रहा हूँ। और आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ पता नहीं था, मैं यहाँ पर नई हूँ। घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है तो मैं जंगल की तरफ चली गई। सोचा यहाँ कुछ लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो आज खाना बना पाऊंगी। पता होता कि यहाँ चुड़ैल है तो मैं दिन में ही लकड़ियाँ ले जाती। अब तो मुझे जंगल में अकेले जाने में भी डर लग रहा है। अब नहीं रहती यहाँ कोई चुड़ैल, पहले रहा करती थी लेकिन अब जा चुकी है। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, जितनी लकड़ी लेना हो आप ले लेना और चूल्हा जला लेना, वरना बिना खाए सोना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो आदमी चुड़ैल के आगे आगे जा ही रहा होता है, तभी चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है और भारी सी आवाज में कहती है, हाँ सही कहा, अगर तू नहीं आता तो मुझे सच में बिना खाए सोना पड़ता। कैसी हालत हो गई है मेरी, इन तीनों गांवों पर पहले मेरा राज चलता था लेकिन तुम सबने मिलकर मेरी शक्तियां कम कर दी और अब मुझे चोरी चुपके अपना खाना खाना पड़ रहा है। पर मैं अपने ऋषु की मौत का बदला ले लूंगी, मैं तुम तीनों गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। तो ये सब तुम नाटक कर रही थी और हमने सोचा तुम सच में गांव छोड़कर चली गई हो। कितने पागल थे हम लोग। मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तुम वापस आ चुकी हो, और जिस तरह हमारे गांव वालों ने तुम्हारे ऋषु को मार डाला था उसकी धोखेबाजी पर, ऐसे ही हम सब मिलकर तुम्हें भी मार डालेंगे। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जिस पति के बदले तुम्हें ताकत मिलती थी उसको खो देने से तुम्हारी ताकत कम भी हो गई है। मतलब मैं सही जगह आई हूँ, तुम ही लोग हो जिन्होंने मेरे ऋषु को मार डाला और इतनी हिम्मत से तू मेरे सामने खड़ा है। चाहे जो कर लो तुम लोग, मैं एक चुड़ैल हूँ और एक इंसान एक चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकता। अब देख मैं तेरे गांव की सारी औरतों को कैसे विधवा बनाती हूँ, और सबसे पहले विधवा बनेगी तेरी पत्नी। तेरी लाश उसके घर के बाहर मिलेगी। चुड़ैल उसको नाखूनों से मार देती है और खा जाती है, फिर उसकी लाश को उसके घर के बाहर छोड़कर आ जाती है और फिर साधारण रूप धारण कर मुखिया की कुटिया में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले उस आदमी की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं और सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहां मुखिया भी आते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुखिया जी, आप भी एक चुड़ैल की बातों पर विश्वास करते हैं? हैं? क्या पता उसने हमसे झूठ बोला हो और वो हम सबसे बदला लेने आई हो, क्योंकि हमने उसके ऋषु को मार डाला था। जब तक ठीक से पता न चले हम कुछ नहीं कह सकते, तो अभी आप लोग शांति बनाए रखें और अपने अपने घर जाकर अपना अपना काम करें, ठीक है? जाइए सब लोग। सब मुखिया की बात मानकर अपने अपने घर जाकर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। लेकिन मुखिया के दिमाग में एक बात घूम जाती है कि ये जो विमला आई है ये भी विधवा है और अचानक इसी गांव में क्यों आई है, जब इसके पास कुछ नहीं था तो किसके सहारे यहाँ चली आई। जैसे ही मुखिया विमला को काम करते देखने जाता है तो वो देखता है कि विमला सारे काम बहुत ही तेजी से कर रही है, जैसे कोई जादूगरनी। मुखिया को समझ आ जाता है कि हो न हो यही वो चुड़ैल है जिसने उस आदमी को मारा है। वो समझदारी दिखाते हुए गांव के मर्दों को जंगल में इकट्ठा कर लेता है। मुझे माफ कीजिएगा भाइयों बहनों, आप लोग सही थे, वो चुड़ैल और कोई नहीं, हमारे गांव में आई नई औरत विमला है। मैंने उसको आज काम करते देखा, वो काम ऐसे कर रही थी जैसे कोई जादूगर हो। हमें उसको मारना होगा, अभी उसकी ताकत बहुत कम है तो हम उसको आसानी से मार सकते हैं। क्यों ना पहले उसका असली रूप सामने लाया जाए और फिर मारा जाए। नहीं, ऐसा करने से हम पर खतरा हो सकता है, हमें रात को उसकी कुटिया में आग लगानी होगी और वो मर जाएगी क्योंकि तब वो सो रही होगी। पर सब इस बात का ध्यान रखें कि उसको कुछ पता नहीं चल पाए। सारे गांव वाले मुखिया की बात मानते हैं और चुड़ैल के सोने का इंतजार करते हैं। चुड़ैल जैसे ही सोती है गांव का मुखिया जाकर कुटिया के चारों तरफ तेल गिरा देता है और उस कुटिया को जला देता है। कुटिया जलते जलते उसमें से चुड़ैल अपने असली रूप में जलती हुई बाहर आती है और सबके सामने दम तोड़ देती है।